नहीं चढ़ने दे रहा। मोमन समाज के लोग नहीं चढ़ने देते बारात को। लोगों ने यही सोचा कि भाई हमारा जीना धक्का रहे यहाँ से, पर तो चले, जब हमारी बहन बेटी बारात नहीं चढ़ने देते हैं तो। नूरपुर क्या भारत से अलग है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या बांग्लादेश में है, लेकिन आपने इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया। आप कहते हो यहाँ पर नमाज तो होगी, लेकिन यहाँ पर बारात नहीं चढ़ने दी जाएगी। क्यों नहीं चढ़ने दी जाएगी भैया? क्या और पूरे भारत का हिंदू समाज मर गया है? हमारे देश में है, हम ही लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी बरातें नहीं चढ़ी जाएगी, हमारे मंदिर नहीं बनने दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माइनॉरिटी में आपके जो हिंदू रह रहे हैं उनका पलायन को रोकना, क्योंकि ये लोग अगर परेशान करते हैं तो हम हिंदू पूरे समाज एक साथ खड़ा हो उनके साथ। वो भूल गए उसे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नज़र आ रहा है। घटना देखो यही है कि देखो अब एक आदमी कह दे जी भैया परनाला मेरे यहाँ से ही जाएगा, दूसरे का खेत सूखा रहे, भाई यही है यहाँ पर झगड़ा। हम चाह रहे हैं भैया अपना तुम्हारा खेत भी हरा भरा रहे, दूसरे का भी रहे, हम तो ये बात करने आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इस समय पहुँच चुके हैं नूरपुर गांव की तरफ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस ये जो घटना है नूरपुर गांव में हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है, पूरे देश से लोग यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो तैनात है, और यहां पर जो भी लोग यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको पहुंचने से यहां पर रोका भी जा रहा है। यहां के जो लोग मौजूद हैं उनको क्या परेशानी आ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे आखिर उनको गांव में जाने से क्यों रोका जा रहा है, और आपको गांव के अंदर ले जा करके पूरी सच्चाई दिखाने के लिए भी हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। जब जब हम लोग, सबसे पहली बात तो बता दूं, मेरा नाम आज़ाद विनोद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन वाहिनी से हूँ मैं, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बात नूरपुर की नहीं है, यहाँ पर हम जहाँ हैं नूरपुर में, यहाँ का एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चित रहा कि यहाँ पर बारात नहीं चढ़ने दी। क्यों नहीं चढ़ने दी? क्या जब आप लोग खुद ही बोलते हो कि भारत देश में सबका अधिकार है, तो नूरपुर क्या भारत से अलग है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या बांग्लादेश में है, लेकिन आपने इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया। आप कहते हो यहाँ पर नमाज तो होगी, लेकिन यहाँ पर बारात नहीं चढ़ने दी जाएगी। क्यों नहीं चढ़ने दी जाएगी भैया? क्या और पूरे भारत का हिंदू समाज मर गया है? आज यहाँ के नूरपुर के सारे हिंदू समाज को मॉरल सपोर्ट देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, और जैसी इनको आवश्यकता होगी वैसी हर तरह की आवश्यकता पहुँचाने के लिए आज दिल्ली से बहुत सारे हिंदू समाज के लोग आए हैं, और यहाँ पर ही नहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। पलायन की जो बात हो रही थी, लगातार कह रही पलायन हिंदू को करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति कैसे बनी? देखिए, पलायन का कारण ये रहा कि हम लोगों ने आज तक भाईचारे को हमेशा बढ़ावा दिया है। हम लोग वटुदेव कुसुम कुमारे लोग हैं, हम लोग शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। देखिए, भारत के अंदर अलग अलग मतों के आक्रांता आते रहे, लेकिन हमने सबको गले लगाया, लेकिन आज तक हमारे देश में है, हम ही लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी बरातें नहीं चढ़ी जाएगी, हमारे मंदिर नहीं बनने दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये जो हिंदू समाज आया है, किसी दल से नहीं, किसी संगठन से नहीं, सिर्फ आया है यहाँ पर, तो सिर्फ अपने हिंदू होने के नाते आया है। ओबीसी के जो नेता है वो कहता है कि मस्जिद तो यहाँ पर रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो हिंदू की बात बरात है वो नहीं चढ़ देंगे। छोटी राजनीति और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किया, लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उनकी जो मानसिकता है, जो उनका जो बल है, संख्या बल, उसका वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल के माध्यम से हो, चाहे किसी माध्यम से हो, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नूरपुर गांव में कुछ और लोग भी आए हैं और जहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मामला क्या है और इनको लेकर क्या कहना है। हमने नाम बता दिया, कौन सी जगह सर? आप अर्चना शर्मा, जिला महामंत्री हिंदू वाहिनी मंच अलीगढ़। आज इस जगह पे पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पे पहुँचने का? क्या देखिए, हमारा ये है कि जहाँ पे भी छोटे छोटे उसमें माइनॉरिटी में आपके जो हिंदू रह रहे हैं उनका पलायन को रोकना, क्योंकि ये लोग अगर परेशान करते हैं तो हम हिंदू पूरा समाज एक साथ खड़ा हो उनके साथ। आज यहाँ पर पहुँच के कोई संदेश दिया आपने, कोई ऐसी चीज़ जो इन लोगों को, कि जो गांव से लोग पलायन की बात कर रहे हैं वो आगे ना करें? जी, हमने उनको आश्वासन दिया है कि जहाँ पे भी अगर वो उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और लगातार तो ये बात कही जा रही है कि हिंदुओं को लेकर AIM के जो नेता हैं और भी जो OBC के नेता, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद जो तो रहेगी, लेकिन जो हिंदुओं की बारात है वो नहीं चढ़ने देंगे। वो भूल गए उसे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नज़र आ रहा है। कुछ करना कि वैसे आए? सर, आप कौन सी जगह से हैं? हम हिंदू वाहिनी मंच से हैं, और हमारा हिंदू वाहिनी मंच नूरपुर की घटना का
विरोध करता है, और हमारा जो हिंदू समाज है उसके लिए हमारा देश और हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और यहाँ पे कितनी संख्या में आप लोग पहुंचे और क्या क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश यही है कि हमारे हिंदू समाज पर अत्याचार को रोका जाए, अगर इसका विरोध नहीं तुरंत गिरफ्तार नहीं किए तो हम जो कानून कार्रवाई करेंगे आगे भी करेंगे। हर अन्याय का मैं संघ से हूँ, आरएसएस से हूँ। हर हिंदू सम्मान के साथ जिए। हिंदू अगर प्रताड़ित होता है तो हम उसका घोर मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। हिंदू को संगठन करना, हिंदू के ऊपर अन्याय होना, ये हमारे बिल्कुल नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है। हमने ये देखा गाँव के लोगों को बारात न चढ़ने देना, ये किस संस्कार में लिखा है आप बताएं? इसके बाद जो पलायन के जो संदेश देखे वो भी आपने देखा? पलायन जब हम लोग संगठित नहीं होंगे तो पलायन वही हुआ। हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोगों को संगठन के कार्य करने हैं, हिंदुओं के संगठन की नींव को मजबूत करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम इस अन्याय के विरुद्ध इनके साथ लड़ाई में हम शामिल हैं। अगर इनके पास इनके विरुद्ध अन्याय होगा उस अन्याय में हम डट करके मुकाबला करेंगे। कौन से जगह से आप पहुँचे हैं नूरपुर गांव के लिए आप जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग हरिद्वार से हैं, और हम लोगों की ये है कि दोनों पक्ष प्यार और प्रेम से सद्भावना के साथ में रहें, और अच्छे ही उन लोगों का तेजस्व वर्षो तब बढ़ेगा जब दोनों में संगठित रहेंगे, प्यार से रहेंगे। यही हम लोग मिलने के पर्पज़ से आए थे, पर जहाँ जो प्रशासन जो कार्य को देख रहा है तो उनका भी एक सिस्टम है, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इनके सिस्टम को हम लोग फॉलो करें। हम लोग इनके सिस्टम को फॉलो करें और इनके कहे अनुसार चलें, तो इन्होंने रोका तो हम उसी हिसाब से हम लोग गए हैं। पूरी घटना जो है उसके बारे में आपको जब पता लगा तो क्या कुछ आक्रोश या कैसी कोई उचित? हम लोग जा कर के एक बार हम लोग जब तक नहीं देखेंगे अपने सामने तो उसको कैसे समझेंगे? तो पहले चूँकि हर प्रकार से लोग समझाते हैं बताते हैं तो उसको हम कैसे स्वीकार करें? पर लेकिन हमने ये इच्छा थी कि हम जा कर के दोनों पक्षों की बात सुने, और सुनने के बाद में जब उस पर कोई निष्कर्ष पर पहुँचे तो ये हमारी सोच थी और ये हमारी विडम्बना थी। पर यहाँ इंस्पेक्टर साहब जो देख रहे हैं उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी वहाँ नहीं जाएंगे, तो हम रुक गए। कारण क्या बताया जा रहा है, मतलब गांव में रोक जो नहीं? कारण तो बारात का लेकर के कारण बता रहे हैं कि बारात को रोका गया है। तो ये है कि उन्होंने कहा कि बारात को रोका गया है, तो वहाँ जा कर के दूसरे पक्ष से भी ये जानकारी की जाए कि भाई बारात को वास्तविक आपने क्यों रोका है, कैसे रोका, और जो वास्तविक जो घटना घटित हुई है उसके बारे में तो वो लोग जा कर के जब बताएंगे तब उसके बारे में हम लोग गाँव में जाने से अगर रोका जा रहा है, कोई कारण क्या बताया जा रहा है किस वजह से? कारण यह है कि हिंदू वादी यहाँ लोग काफ़ी है, ये बाहुमलीय क्षेत्र है बहुत अच्छा, और यहाँ बहुत ही मिलजुल कर रहते थे हिंदू मुस्लिम भाई। और लेकिन कारण एक बारात को रोकना, ये हिंदूवादी लोगों के लिए एक तोहिन देना बहुत बड़ी बात होती है। प्रशासन से हमारे स्वामी जी काफ़ी टाइम से अटक रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, पीड़ित परिवार से मिला जाए। केवल पीड़ित परिवार से मिलकर ही सुझाव नहीं होगा, दोनों परिवारों से मिलना होगा, क्योंकि मिलजुल कर रहना है। इसी क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं तो इसी क्षेत्र का विकास अभी होगा जब हम लोग सोच बदलेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे। तो यही हमारे स्वामी जी की गुजारिश है प्रशासन से कि उन्हें दोनों परिवारों से मिला जाए और मिलने दिया जाए। आप लोग किस जगह से हैं? फरीदाबाद से आए। अभी आपको यहाँ पे क्या कहकर रोका गया? तो अभी यही रोका गया कि वहाँ पर कह रहे हैं कि माहौल तो ठीक है, आप जाके कहीं बिगाड़ ना दो माहौल, तो इसलिए रोका गया। बाकी हम कोई माहौल बिगाड़ने तो आए नहीं हैं, हम तो भाईचारे से और प्रेम से सब रहें, अपना एक मत करके रहें, ठीक है ना। परमात्मा ने सब पे एक ही रोजी रोटी सबको अन्न दिया है, सबके लिए बराबर दिया है, किसी में भेद नहीं करा। तो यहाँ पर जरा से ज़मीन के टुकड़ों के लिए और जरा सी प्रॉपर्टियों के लिए एक दूसरे के लिए अत्याचार करना तो इंसानियत नहीं है, ये तो मानवीय व्यवहार है। तो इस चीज़ को ही समझना चाहिए, वही समझाने आए हैं प्रेम पूर्वक कि भैया अगली कोशिश क्या होगी, मतलब कि गांव के जाके लोगों से बात करने की? हाँ, लोगों से बात करने की, दोनों पक्षों से बात करने की, अपना जो भैया सोहेड अपना बना के रखो। ये हमारा जो है समाज है, भाईचारे का समाज है, तो इसमें तुम चाहो जी ये सब कुछ हमारा हो जाए, सारे हम ही खा लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सृष्टि बनाई है भगवान ने परमात्मा के लिए, सबके लिए बनाई है, ठीक है ना। पाँचों उंगलियाँ हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, पर है तो इकट्ठी ना, मुट्ठी बन गई, ताकत आ गई, तो समाज सब सारा एक होकर रहेगा। किसी भी मजहब को मानने वाला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सबकी मंजिल एक ही है, ठीक है ना। हमारे तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति,
आप किसी भी मजहब के हैं, किसी को भी कर रहे हैं, सबका, जैसे सारी नदियों का जल जो है समुद्र में जाके मिल रहा है, ऐसी सब देवी देवता कहीं भी आप किसी भी को मान रहे हैं, सबका जो प्रणाम है, सबको पूजने का जा रहा है केशव के चरणों में, तो हम तो उसके हैं, वसुदेव कुटुंबकम के हम तो विचार रखने वाले हैं, ठीक है ना। इसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए प्रेम बना रहे, किसी का पलायन ना हो, सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की मतलब की सहायता बने। हमारे यहाँ तो सांझा चूल्हा जला करते थे पहले, ठीक है, वहाँ पर मजम नहीं देखा जाता था, सब इकट्ठे बनाते थे, इकट्ठे खाते थे। तो प्रेम की बात करने आए हम, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, उसको प्रोत्साहन देने नहीं आए, ठीक है ना। मामला आपने सुना होगा घटना के बारे में, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो घटना देखो यही है कि देखो अब एक आदमी कह दे जी भैया परनाला मेरे यहाँ से ही जाएगा, दूसरे का खेत सूखा रहे, बस यही है यहाँ पर झगड़ा। हम चाह रहे हैं भैया अपना तुम्हारा खेत भी हरा भरा रहे, दूसरे का भी रहे, हम तो ये बात करने आए हैं। मेरा नाम राजवीर है, आप नूरपुर गांव में ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, नूरपुर गांव में रहते हैं। तो ये पूरी घटना आखिर हुई कैसे, इसके बारे में बताइए। ये घटना तो बारात के ऊपर हुई है, बारात ना चढ़ने के ऊपर। कौन नहीं चढ़ने दे रहा? मोमदन समाज के लोग नहीं चढ़ने देते बारात को। पहले भी नहीं चढ़ते थे, अभी नहीं? कई बार पहले घटना हो चुकी थी। अब की स्थिति क्या है और पहले का क्या? अब की स्थिति बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है यह टाइम स्थिति, ना कोई यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। पुलिस प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है, बढ़िया कर रहा है पुलिस प्रशासन। अब यहाँ किसी प्रकार का कोई भी परेशानी इस टाइम नहीं है। इससे पहले ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि लोगों को अपने घर के बाहर लिखना पड़ गया कि ये घर भी काऊ है, इस तरीके? हाँ, वो बारात बारात के ऊपर ही लिखा था भाई, ये चढ़ने नहीं देते थे, यही बात थी और कोई बात नहीं। ये लोग जो हैं, जो पहले कह रहे थे कि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ रहा है या उनकी बारात नहीं चढ़ने दे रहे, तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन रही गाँव के अंदर? उसी टाइम बारात ना चढ़ने के लोगों ने यही सोचा कि भाई हमारा जीना धक्का रहे यहाँ से, पर तो चले जब हमारी बहन बेटी की बारात नहीं चढ़ने देते हैं तो। लेकिन फिलहाल मामला शांत है। इतना मतलब भरोसे से आप कह रहे हैं कि जैसे सारी स्थिति सुधर गई है, हमें योगी आदित्यनाथ की सरकार, हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी पूरी मदद कर रहा है इस टाइम, और हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी क्या ऐसी मदद होती? अब कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यही है, पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले का पुलिस प्रशासन से मदद ऐसी? हाँ, उससे पहले तो जन क्या क्या था, लेकिन अब बिल्कुल मामला शांत है। हाँ, स्थिति सही है, बिल्कुल मामला शांत है, और कोई बात नहीं है। अब भी इसी गांव के निवासी हैं जी? तो पूरे मामले में जिस तरीके से आए कि दिखाएगा कि पहले बारात चढ़ने से रोका गया, फिर घरों पे ऊपर इस तरीके की चीज़ें लिखी गई, क्या आखिर बताना चाहिए? ये बारात ना चढ़ने, अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हम वहाँ संतुष्ट हैं। ऐसी स्थिति ज़्यादा बहुसंख्यक में 80% है, हम 20% हैं। हाँ, 3-4 बारातन में किया है ऐसी हरकत उन्होंने। आपको इतना जो भरोसा आया है कि आप कह रहे हैं मतलब गांव से लोग पलायन भी नहीं कर रहे हैं, लोग स्थिति है, सारी स्थिति सामान्य है, तो किस कौन मतलब इसमें जिम्मेदार है, मतलब कि सबसे बड़ा आपको साथ किससे मिला है, जो प्रशासन है, योगी सरकार है और चीज़ें जो हैं? पुलिस प्रशासन से मिला है हमें, दरोगा जी हमारे बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था बनी हुई है, शांति है गांव में इस वक्त। जो हिंदू समाज जो आपके साथ आ रहा है, लगातार जो संगठन भी समर्थन रहा है, उससे कोई आपको मिल लग रहा है कि आप जो चीज़ें हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगी? हाँ, बेहतर हो जाएंगी, जब हिंदू संगठन हमारे संग है, पुलिस प्रशासन संग है, तो व्यवस्था सही है हमारी, बिल्कुल ये मानिए, बिल्कुल अब कोई नहीं भगेगा कहीं, ना कोई कहीं जाएगा। और कुछ लोग जो हैं, जैसे जो अलग अलग संगठन से हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान वाले संगठन है उसमें वो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं की जो बारात है उसको नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन जो मस्जिद हैं वो लगातार। तो पल्ले वाले इनका, डिबेट वाले इनका मामला है, हमारे यहाँ तो शांति है इस वक्त, ये वो जाने, वो कह रहे हैं कि खूब बारात चढ़ाओ भैया। आपका नाम बताएंगे? सतपाल सिंह। पूरा मामला बताएंगे किस तरीके से हुआ और चीज़ें? ऐसा मामला तो यही है, बारात चढ़ाने का मामला था, पर अब तो शांति हो गई है। तो ये ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि घर वालों को लिखना पड़ गया कि उस पर घर बिका हुआ, इस तरीके? ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फिर बारात बारात पिट रही थी, तो इसलिए लिखना पड़ गया मजबूरी में कि भाई अब तो यहाँ से चलो। अब स्थिति सामान्य हुई तो उसके इसके क्या? स्थिति सामान्य है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, पूरा कंट्रोल कर लिया और लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है और दबिश डाली जा रही है। इसका बड़ा कारण ये माने कि बड़े लेवल पर ये चीज़ें लोगों तक पहुँची और हिंदू समाज एक साथ खड़ा हुआ? हाँ, ये भी हो सकता है, यही कहा। आगे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो है वापस नहीं होंगी, इतना कुछ होने का अब नहीं लगता कि अब ऐसी स्थिति दोहराई जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि माफ़ी भी मांग रहे हैं कि भाई अब नहीं करने, अब नहीं होगा ऐसा, अब अपनी बारात चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कुछ लोग जो है AIMM के हो या अलग अलग जो संगठन है, उनसे जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की जो बारात है उसको नहीं चढ़ देने के लिए मस्जिदों में लगातार जो है नमाज पढ़ी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो राजनेता अपना वो
वो सेकते हैं दंगा भड़काने के लिए। ऐसा गांव में कुछ नहीं है, गांव में पूर्ण रूप से शांति है। इस समय बारात की 3:30 के आसपास थी। 3:30 के आसपास हाँ। तो 3:30 बजे तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई नमाज पढ़ने का टाइम होता नहीं है। नहीं, जब तो नहीं होता, कोई 3:30 या 4 का होगा, बस इतना ही होगा लगभग। अच्छा, तो हाँ दिन में तो बारात चल रही थी, उन लोगों ने बारात को रोक लिया कि भाई आप यहाँ से बारात मत ले जाओ। ठीक है। और ये मस्जिद का दायरा है, इधर 100-200 मीटर इधर, 200 मीटर इधर के दायरे में बैंड बाजा ये कुछ नहीं बजना चाहिए। आप सर कितने टाइम से वहाँ पे रह रहे हो? हम तो जन्म से ही रह रहे हैं सर। जन्म से ही रह रहे हो। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 44 के लगभग। 44 साल में आप लोगों का उस गांव में एक मंदिर नहीं बनाया गया? देखो, सभी लोग कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी में रखता है, तो इस वजह से कुछ डीसी हाँ जी दलित हैं। राव अम्बेडकर को मानते हो? हाँ जी मानते हैं। मूर्ति लगा लेते सर एक साथ? ऐसा है, गरीब परिवार लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो उनमें कोई देता है कोई नहीं देता, एक साथ ऐसा नहीं व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने ये कह दिया कि कोई देता है कोई नहीं देता। आप 44 साल की उम्र होगी, आज तक आप मंदिर नहीं बना पाए सर। धर्म अपनी 3-3 मस्जिदें बना ली। प्रयास चल रहा है, उसमें धर्मशाला यानी बरातघर बनवा दिया गया है। अच्छा, तो वो भी ऐसे ही धीरे धीरे करके बनाए, तो आगे से हमारा प्रयास भी यही है कि आगे से हम उसमें कोई भी चीज़ समर्थन में आए। जी बिल्कुल। लगातार अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू समाज जो है वो एक साथ खड़ा हुआ है। आप कौन सी जगह से आए हैं और क्या संदेश यहाँ पर देना? उत्तम नगर से आए हम, ये एकजुटता का संदेश देना चाह रहे हैं। सभी सनातनी एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं और सभी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए और प्रशासन का सहयोग मिला, बहुत अच्छा आश्वासन मिला और जल्दी मंदिर का भी निर्माण होगा और सभी संतुष्ट हैं। लगातार ये बात देखी जा रही थी कि जो पहले कहा गया कि जो उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा था या जो बारात नहीं चढ़ने जा रही, उसके बाद स्लोगन लिखे गए कि यहाँ से घर दिखा हुआ है, पलायन की बात आई, आज आपको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा, कैसे देखते हैं? तो ये सब एक्चुअल पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी अपनी ग्राफ कम करने के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो पहले दिखाई गई थी वही है, आज भी वही है। जो परिवार है उस पर काफ़ी प्रेशर है, पुलिस प्रशासन का दबाव होने की चीज़ें छुपाई जा रही है। हाँ, वो एक्सेप्ट किया, उन्होंने बात किया, उसमें भी ये चीज़ मानी है। जो परिवार के लोग हैं वो चीज़ इसको एक्सेप्ट करते कि हमारी मजबूरी है और काफ़ी हद तक ये चीज़ दिखाई भी दे रही है कि उनकी रियल मजबूरी है। जो हिंदू समाज एक साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पूरे गाँव के जो बाहर लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, क्या इससे कोई बड़ा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, इसी वजह ये इस तरह की स्टेटमेंट दिलाई जाती है। अगर 2-4 लोग होते शायद इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दिलाई जाती। इतनी काफ़ी संख्या में जो लोग एकजुट होके आए हैं, उसी के कारण से इन लोगों का डर है, खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ उपद्रव, लेकिन ऐसी किसी की सोच नहीं है। ये सब भाईचारे के लिए ही आए हैं और सबकी सोच यही है कि सभी के लिए समानता हो। जब ये अपने की बात करते तो दूसरे धर्म का भी इन्हें सम्मान करना चाहिए। और ओबीसी की पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनकी स्टेटमेंट बहुत ही निंदनीय है, बड़ी शर्मनाक है। इस तरह भाईचारा नहीं रह सकता है। अगर इस तरह हम लोग भी स्टेटमेंट देंगे तो इनके लिए बड़ा गलत होगा। सबका कहना है कि यहाँ पर कोई भी जो है उसका ऐसी कोशिश नहीं है कि प्रशासन के साथ जो है किसी भी तरह के हाथापाई करे, ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें प्रशासन का जो व्यवस्था है वो टूटे। व्यवस्था भंग किए बिना पूरी तरह से जो लोग हैं उनसे बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए और सद्भावना की जो बात है वो यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। पूरी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड से, आप हमारे साथ बने रहिए।